आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्यों पढ़ते हैं और न्यूक्लियोसोम कहाँ पाया जाता है, ये क्या एक मॉडल है या किसी चीज़ से बना होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक मॉडल दिया गया है किसके लिए, कि जो ये बहुत लंबा डीएनए होता है, 6 फीट लगभग, वो इतनी छोटी सी सेल में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल दिया गया था, क्या, न्यूक्लियोसोम। उसमें बताया कि जो ये बाइंडिंग डीएनए होता है, क्रोमोसोम में जो डीएनए पाया जाता है वो किसके विपट रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के। किसके, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ विपट विपट के कंडेंस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं, पर डीएनए जिस पे विपटता है वो 4 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है H2A, H2B, H3 और H4, इन सब के डबल होती है, मतलब ये सब डबल फॉर्म में पाया जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाती है, ऑक्टामर। ऑक्टामर के चारों तरफ क्या लपेटता है, डीएनए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए। तो जो हमारा 6 फीट का लंबा डीएनए होता है वो छोटी सी सेल में कैसे आ सकता है, उसके लिए जो मॉडल दिया गया था उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या होता है, बाइंडिंग डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या होता है, बाइंडिंग डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। बाइंडिंग डीएनए कितने बेस पेयर का मानते हैं, 146 बेस पेयर का, मतलब जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ विपटा रहता है। 6 फीट का लंबा डीएनए है वो घुमा घूम घूम के किसके तरफ, हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर है उसके चारों तरफ घूम के कितने, 0.6 मिलीमीटर का रह जाता है। इसी वे तो इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी सेल में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोन, अगर एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए, ठीक है। ये कितने का होता है, लगभग 56 बेस पेयर का होता है। तो टोटल मान लेते हैं 202 हो रहे हैं, तो 200 बेस पेयर का मान लेते हैं। इन चारों को, किन किन को, ऑप्टामर, बाइंडिंग डीएनए, लिंकर डीएनए प्लस H1, इनको बोलते हैं क्रोमेटोसोम, ठीक है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर डिटेल से जानते हैं। तो ये जो है 8 8 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, ठीक है, और ये अलग से जुड़ा हुआ ये है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन, मतलब ऑक्टामर का पार्ट नहीं होगा हिस्टोन प्रोटीन। पर पूछा जाएगा कि कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, न्यूक्लियोसोम में। तो हम बोलेंगे 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में सिर्फ सिर्फ क्या आता है, बाइंडिंग डीएनए और ऑक्टामर। ये H1 प्रोटीन को हम न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं मानते। H1 और जो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम में जो बाइंडिंग डीएनए, जो डीएनए जो लपटा रहता है उसको हम, उसके कितने बेस पेयर होते हैं, 146 बेस पेयर। और जबकि जो ये दोनों को लिंक करता है उसको हम बोलते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं उसमें, 56 बेस पेयर। लिंकर डीएनए होता है इसलिए हमने इसको बोल दिया, दोनों को लिंक कर रहा है इसलिए हमने इसको बोल दिया लिंकर डीएनए, ठीक है। और कितने इसमें घुमाव पाए जाते हैं, 1.75, एक टर्म में कितने घुमाव पाए जाते हैं, 1.75। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ पूरा स्ट्रक्चर डिटेल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने पूरा क्लियर बता दिया है, क्या, ये हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, ये क्या है, H1 है, ठीक है। डीएनए से, डीएनए इसके चारों तरफ विपटा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ विपटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए, ठीक है। कितना बेस पेयर होता है, 146 बेस पेयर। 2 न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम, H1, लिंकर डीएनए चारों मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटोसोम। क्या बनाते हैं, क्रोमेटोसोम, ठीक है। पर न्यूक्लियोसोम में अगर पूछा जाए क्या आता है, ऑक्टामर और बाइंडिंग डीएनए, ठीक है। ये किस लिए दिया गया था न्यूक्लियोसोम का मॉडल, कि जो हमारा 6 फीट का लंबा डीएनए है वो कितनी साइज उसकी हो जाती है, इसके कारण 0.6 mm, ठीक है, ताकि वो आराम से छोटी सी सेल में रह सके। तो मैंने न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में बता दिया है आपको। और ये कहाँ, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या होगा, कंडेंस होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है, और कंडेंस फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म में पाया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम, ओके। तो क्रोमोसोम में क्या होगा, बहुत कंडेंस फॉर्म में पाया जाएगा। तो डीएनए प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में। कैसे पाया जाएगा, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में पाया जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। आप जितना ज़्यादा वीडियोज को देखेंगे उससे मुझे भी इनकरेज मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।